महाकाल की नगरी उज्जैन से 5 किलोमीटर दूर शिप्रा नदी के त्रिवेणी क्षेत्र में एक के बाद एक कई बार पानी में धमाका हुआ। यहां पहले तेज रोशनी हुई, इसके बाद पानी में धमाके हुए। धमाकों से पानी कई फीट ऊपर उछला और आग के साथ धुआं निकलने लगा। उज्जैन में शिप्रा नदी पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। शिप्रा नदी के त्रिवेणी क्षेत्र में एक के बाद एक कई बार पानी में धमाका हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यहां पहले एक चमकदार रोशनी दिखाई दी, उसके बाद धमाकों के साथ पानी ऊपर उछला और आग के साथ धुआं निकलने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि घटनास्थल का मुआयना किया गया है। भूगर्भी वैज्ञानिकों की टीम भी जांच के लिए यहां पहुंचने वाली है। यहां से पानी के सैंपल लिए गए हैं, जिसकी पीएचई प्रयोगशाला में जांच की जाएगी। गौरतलब है कि 13 मार्च को शनिश्चरी अमावस्या है। इस मौके पर त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। हालांकि जहां धमाके हुए वह जगह नदी में पुराने स्नान घाट से दूर है। स्टॉप डैम के आसपास धमाके होने से स्टॉप डैम को भी खतरा होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल क्षेत्र के आसपास जाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।